साल आते हैं साल जाते हैं, सरकार आती है सरकार जाती है, लेकिन भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही यादगार होती है। और 2018 मोबाइल फोन की दुनिया में सबसे अच्छा साल रहा, क्योंकि भाई तरह तरह के फोन आए। और सबसे खास बात यह कि भैया जब आपस में कंपनी भिड़ी है ना, तो यार प्राइस बहुत सस्ता मिल गया है और हमारे कुछ पैसे भी बच गए हैं। लेकिन भाई 2018 में हमें तरह तरह की टेक्नोलॉजी भी मिली है, और यार 2017 में जो कुछ बचा था ना वो 2018 में पूरा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 क्या पता 2018 से अच्छा होने वाला है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया 2019 में आपको कौन से स्मार्टफोन मिलने वाले हैं, और साथ में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन भाई ये मैं बता दूं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, तभी भाई सबको पता चलेगा। और कहीं नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो यार ये बिल्कुल निशुल्क है, एक बार उसको दबा दो। और घंटा वंटा भी होगा ना, उसको भी दबा दोगे तो यार दिल खुश हो जाएगा, और क्या पता आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए। चलिए आपके साथ क्या अच्छा होता है ये तो आप बताइएगा, लेकिन सबसे पहले हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है सबकी चहेती शाओमी। और यार वैल्यू फॉर मनी यदि आपको फोन चाहिए तो यार शाओमी के फोन बड़े परफेक्ट होते हैं, और शाओमी का 2018 अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे फोन फेल भी हुए हैं, लेकिन 2018 में शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो बहुत अच्छा गया है। पोको फोन 21,000 रुपए में आपको बहुत ही गजब की चीजें मिल गई, मतलब 845 प्रोसेसर मिल गया, ये भी बहुत अच्छा रहा। तो भैया 2019 में जो सबसे तगड़ी चीज आने वाली है वो होगी नोट सीरीज का जो 7 प्रो होगा, क्योंकि भैया जो रेडमी का नोट 6 प्रो आ रहा है ना, तो भैया वहां पर कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में ज्यादा बात करी जाए, क्योंकि बस वहां पर 4 कैमरा लगा दिया गया है और ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस भी आपको भैया पता ही होगा कि ज्यादा ही आने वाला है, लेकिन भाई 2019 में रेडमी नोट 7 प्रो आ सकता है जो बहुत ही किलर स्मार्टफोन होगा। और यही फोन असली फ्लैगशिप होगा, मतलब फ्लैगशिप मतलब ऊपर वाला भाई होगा रेडमी नोट 5 प्रो का। और 2019 में Xiaomi की तरफ से पोको फोन भी आ सकता है, जो फोन आया था उसका भी बड़ा भाई मतलब पोको का F2, और ये फोन भी जबरदस्त होने वाला है। और Xiaomi को ये पता है यदि इंडिया में मार्केट अच्छे से बनानी है ना, तो भैया हमें प्राइस में खेलना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो पोको फोन आएगा ना, वहां पर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी कि भैया पोको के F1 में अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिली। लेकिन यार 21,000 रुपए में आपको Xiaomi ने दे दिया 845, इसके लिए तो भाई एक बार Xiaomi के लिए तालियां बनती है। इसके बाद जो अगला फोन है जिसने Xiaomi की नाक में दम कर रखा है वो है Realme। और भाई बहुत ही कम टाइम में Realme ने बहुत अच्छा मतलब मार्केट बना ली है, और इनकी तरफ से भी फोन आने वाला है वो होगा Realme 3 3 Pro, और साथ में इनका जो U1 आया है ना इसकी अगली सीरीज होगी। लेकिन भाई इस बार जो Realme 3 होगा और 3 Pro हो सकता है, वहां पर आपको वूक चार्जिंग भी मिल सकती है, और इसके साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलेगा, और भैया वाटर ड्रॉप नॉच तो मिलती ही मिलती है। लेकिन भाई इस बार जो फोन आएगा ना, वहां पर आपको इससे अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, क्योंकि यार अभी आपको पता है कि जो U1 है ना वहां पर आपको MediaTek का प्रोसेसर मिल रहा है, और जो Realme 2 Pro है वहां पर आपको Snapdragon का 660 मिल रहा है। मतलब जो 3 होगा और 3 Pro होगा वहां पर आपको भैया अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, क्या पता आपको Snapdragon का 710 मिल जाए, और भाई अच्छे प्राइस में आएगा ना, तभी तो यार बात बनेगी। अगला जो ब्रांड है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, और वो ब्रांड है Honor। और 2018 में Honor ने भी तगड़े तगड़े फोन निकाले हैं, और जो सबसे तगड़ा फोन Honor ने निकाला है ना वो है 20,000 वाला भैया Honor का प्ले। और कहीं ना कहीं जो प्ले की सीरीज है वो 2019 में बढ़ेगी, और इस बार भी आपको अच्छा प्रोसेसर मिलेगा। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया Honor का जो 15,000 वाला फोन है ना, जो 8X है, उससे अच्छा फोन आएगा जो अगला फोन होगा 2019 में। मतलब Honor की तरफ से आपको 10,000 से लेकर 20,000 रुपए में बहुत अच्छे फोन मिलने वाले हैं। लेकिन भाई देखते हैं वो कब आता है, लेकिन मेरे हिसाब से Honor भी बहुत अच्छी कंपनी है, और ये कंपनी भी ऐसी है जो Xiaomi और Realme को अच्छी टक्कर दे रही है, और भाई बहुत बड़ी कंपनी है। अगला जो ब्रांड है भैया, उसने तो 2018 में भाई बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो है Asus। पहले ये कंपनी सो रही थी,
लेकिन 2018 में जागी है और साथ में 2019 में इनका एक फोन आने वाला है, वो है इनका Asus का Zenfone Max Pro M2। और साथ में इस फोन का जो सबसे हाई लाइटिंग फीचर होगा वो होगा ऊपर वाली नॉच। मतलब ये फोन मेरे हिसाब से अगले साल ही इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन भाई आपको ये पता है कि सबसे पहले ये सारी कंपनी बाहर फोन लॉन्च करती है और बाद में इंडिया में आती है। लेकिन भाई इंडिया में जब भी आए ना तो भैया प्राइस बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी बात बन जाएगी। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया Asus प्राइस अच्छा ही लाएगा, क्योंकि भैया Asus को पता चल गया है कि भाई यदि कुछ करना है तो प्राइस में खेलना पड़ेगा। और एक ब्रांड ऐसा है ना जिससे मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया हम सारे इंतजार कर रहे हैं आपका फोन कब इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन आप करते ही नहीं है, सारी की सारी आपकी कृपा होती है चाइना में, और वो है Lenovo। सबसे पहले हम इंतजार कर रहे थे भैया Lenovo का Z5 कब आएगा, नहीं आया अभी तक इंडिया में। अब हम इंतजार करने वाले हैं Lenovo का Z5 Pro, और मेरे हिसाब से इस बार ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि भैया जो Lenovo के ऊपर वाले लोग हैं ना उनको पता है कि भैया इंडिया की कैसी मार्केट है, और यदि उनको अपने ब्रांड को बचाना है ना तो Lenovo का जो Z5 Pro है वो इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि ये फोन बहुत ही किलर है भाई। यहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, स्नैपड्रैगन का 710 मिल रहा है, NFC मिल रहा है भैया, टाइप सी पोर्ट मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। लेकिन भाई ये चीजें तो सब समझ में आएगी जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, और मेरे हिसाब से 2019 में Lenovo की तरफ से ये फोन आ सकता है, और क्या पता कोई नई सीरीज आ जाए तब तो यार बात बनेगी। लेकिन इतनी देर से हम सारे ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, बट यार नोकिया को कैसे भूल सकते हैं, नोकिया तो हमारे दिल में बसता है। लेकिन भैया आजकल नोकिया दिल में क्या कहां कहां बसता है ये तो नहीं पता, लेकिन चाइना में सबसे पहले बस जाता है, और मेरे हिसाब से इस बार नोकिया कुछ करेगा 2019 में, क्योंकि 2018 में थोड़ा देर से आया है, लेकिन जो भी फोन लाया है ना अच्छे हैं। लेकिन भाई इस बार प्राइस में खेलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो नोकिया का 6.1 प्लस आया था ना बहुत अच्छे प्राइस में, इसका सक्सेसर आ सकता है 2019 में, और साथ में भैया बहुत अच्छी चीजें ला सकता है। लेकिन मैं एक चीज ये कहूंगा, नोकिया के फोन अभी भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यदि नोकिया ने प्राइस में अच्छा काम नहीं किया तो भाई सोचना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं नोकिया की तरफ से क्या आता है, लेकिन 2019 में आपको नोकिया की तरफ से भी अच्छे फोन मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा भैया नोकिया और सैमसंग की, मतलब नोकिया की बात कर ली है, अब सैमसंग की बात करते हैं। और सैमसंग का S10 आ सकता है 2019 पे, और सैमसंग का ये फोन भी बहुत ही तगड़ा होगा, क्योंकि भैया सैमसंग की डिस्प्ले बहुत अच्छी होती है, उसके साथ साथ कैमरा बहुत अच्छा होता है। लेकिन अच्छी चीजें तो तब समझ में आएगी जब प्राइस अच्छा हो, और मेरे हिसाब से सैमसंग का जो S10 होगा ना वो फ्लेक्सिबल वाला होगा, और साथ में यहां पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि 2019 में भैया 5G वाला जो चिप है ना, मतलब जो स्नैपड्रैगन बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उसका 855 आएगा, और वहां पर आपको मिलेगा 5G का सपोर्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और ये सारी चीजें आपको बहुत सारे फोन में देखने को मिलेगी। और S10 में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और साथ में ये प्रोसेसर आपको OnePlus के 7 में मिलेगा, क्योंकि भैया OnePlus ने अभी जो फोन इंडिया में लॉन्च किया है OnePlus का 6T, अच्छा फोन है, 38,000 रुपए में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छा फोन होगा जहां पर आपको कुछ अलग मिलेगा वो इनका होगा 7, और 7 में आपको 5G भी मिलेगा, और साथ में स्नैपड्रैगन का 855 भी मिलेगा। और इस बार भैया कैमरा चेंज होना चाहिए, क्योंकि भैया 6 और 6T में सेम कैमरा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 7 और 7T में कैमरा कुछ इंप्रूव मिलेगा, और साथ में आपको बहुत सारी चीजें कुछ अलग मिल सकती है। हमने इतनी बात कर ली, अभी तक मोटो की बात नहीं करी। भैया मोटो बहुत अच्छा फोन हुआ करता था, लेकिन आजकल भाई मोटो भटक गया है, चलिए कब आता है लाइन पे ये तो नहीं पता। लेकिन भैया मोटो का G7 प्लस आ सकता है, और G7 प्लस में भैया आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा, आपको वही थोड़ा सा अच्छा कैमरा मिल जाएगा। लेकिन भाई हर एक चीज डिपेंड करती है कि भैया इनका जो प्राइस होगा वो कैसा होगा, यदि इन्होंने ज्यादा प्राइस कर दिया तो सोचना पड़ेगा। लेकिन मोटो का एक फोन है जिसका सक्सेसर आ गया ना सही प्राइस में,
तब मजा आएगी, और वो है मोटो का वन पावर। और मेरे हिसाब से इस सीरीज को आगे भी मोटो कंटिन्यू करेगा और बहुत ही अच्छे प्राइस में लॉन्च करेगा। लेकिन यार 2019 में जो सबसे बड़ा चेंज होने वाला है वो होने वाला है 5G को लेकर, क्योंकि भाई 2019 में आपको 5G वाले फोन मिलेंगे, चाहे वो वन प्लस हो चाहे सैमसंग हो। और Xiaomi की तरफ से Mi Mix जो आया है 3, इसका भी 5G वाला वर्जन आपको 2019 में इंडिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई चलिए 5G वाले फोन तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक यार सर्विस चालू नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन ये जो सर्विस चालू करेगा ना वो मेरे हिसाब से जियो कर सकता है। लेकिन भैया एयरटेल भी किसी से कम नहीं है, देखते हैं कब जियो करता है कब एयरटेल करता है। लेकिन मेरे हिसाब से 2019-2018 से अच्छा हो सकता है। अब आप बताइए आपके हिसाब से 2019 में और कौन कौन से फोन आ सकते हैं, किस फोन का इंतजार आपको सबसे ज्यादा है, और आप ये भी बताइए 2019 पे आप क्या चाहते हैं, कौन से प्राइस वाले फोन सबसे ज्यादा बिकेंगे। जो भी आप सोचते हैं वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब, और जस्ट बगल में आपको एक छोटा सा बेल बटन मिलेगा, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।